वीडियो में टोटल 50 करंट अफेयर्स होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं रेलवे ग्रुप टी और एनटीपीसी, और अब जो है बिहार पुलिस के भी नोटिफिकेशन दे दिए गए हैं, तो बिहार पुलिस के लिए भी ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना कब से शुरू की गई है? तो जुलाई 2019। हाल ही में प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का स्टार्टिंग जो हुआ है 2019 जुलाई में स्टार्ट हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का आर्थिक पेंशन दिया जाएगा? तो मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको 3000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वर्णन अंतरिम बजट में किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। ये जो है आपको किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके अंतर्गत जो है किसान को साल में 6000 रुपये दिए जाएंगे, 2000 रुपये के 3 टर्म में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हुआ है, यह किन दो मंत्रालयों का विलय है? तो जल संसाधन नदी विकास और गंगा कार्यालय मंत्रालय, कायाकल्प मंत्रालय, और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 2 सितंबर 2014 को किया गया था। स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की स्टार्टिंग 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजाला योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो उजाला योजना जो है 1 मई 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की शुरुआत कब से हुई थी? तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो स्टार्टिंग है वो 9 मई 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 9 मई 2015 को ही ये भी किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना का स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2 जुलाई 2015 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये जनवरी 2015 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ योजना की शुरुआत जनवरी 2019 में किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। ये वीडियो जरूर देखिए आप लोग, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत कब से हुई थी? 25 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेश किए गए आम बजट को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो के एम सुब्रहण्यम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौ सैन्य अभ्यास असुडेक्स
2019 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ए ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ये जो एसवीडेक्स जो है 2019 भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है नौसैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड क्रूज क्षेत्र 2019 भारत और सिंगापुर के बीच में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है झांसी में। ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड जो हुआ है क्रूज क्षेत्र 2019 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति 6 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, संप्रति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो बांग्लादेश के बीच हुआ है संप्रति 2019। इम्बेक्स 2018-19 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये है भारत और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस द्वीप पर संयुक्त सैन्य अभ्यास बुल स्ट्राइक किया है? तो टेरेसा द्वीप पर किया है। कहता है क्वेश्चन कि मई 2019 में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस द्वीप पर संयुक्त सैन्य अभ्यास बुल स्ट्राइक किया है? तो टेरेसा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास इफिनडेक्स संपन्न हुआ है? AFINDEX संपन्न हुआ है, तो ये अफ्रीका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की सैन्य अभ्यास जो है कौन सा है? तो वरुण और गरुण। ट्रिक है, वरुण धवन को अपनी फैन फॉलोइंग का बहुत गुरूर हो गया, मतलब कि फ्रांस की सैन्य अभ्यास जो है वरुण और गरुण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 19.1 का शुभारंभ हुआ है? तो यह फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास का नाम है? तो गरुड़ जो है फ्रांस के साथ है। गरुड़ जो है भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास का नाम है? तो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ शक्ति भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? तो है इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ है, जबकि आपका जो गरुड़ है वह भारत फ्रांस के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास है वह वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो है भारत और अमेरिका के बीच है वज्र प्रहार जो है, किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो है भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो है भारत और अमेरिका। युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप इंडिया भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? तो यह भारत और अमेरिका। कोप इंडिया जो है भारत की किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? तो कोप इंडिया जो है भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और रूस के बीच जो है इंद्र है और एविया इंद्र है। इंद्र जी रुष्ट गए हो गए, मतलब कि इसका ट्रिक है, भारत और रूस के बीच है इंद्र एवियांद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो भारत और रूस। इंद्र भारत और रूस के बीच है। एवी इंद्र किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो बताया भारत और रूस के ही बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो है नेपाल। सूर्य किरण जो है किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म गार्डियन भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज है? तो है जापान। ये वीडियो देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमेक्स भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज है? तो है जापान। जिमेक्स जो है भारत की किस देश के साथ एक्सरसाइज है? तो है जापान। जिमेक्स जापान के साथ है, भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो यह चीन के साथ, हैंड इन हैंड जो है चीन के साथ है। भीमबेक्स 1 किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो वियतनाम और भारत के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण 19.1 भारत और किस अन्य देश के बीच एक्सरसाइज का नाम है? तो यह फ्रांस। वरुण 19.1 जो है भारत और फ्रांस के बीच है। तो इस प्रकार से टोटल इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन बताए गए हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके SSC MTS के एग्ज़ाम के लिए तो है ही, और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और NTPC उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।